नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बड़ी खबर, चित्रकूट के रामनगर से पियरिया माफी के ग्रामीणों पर सफाई कर्मचारी पर रहा है भारी। नाली सफाई के लिए पूर्व सैनिक की जद्दोजहद, जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नाली की सफाई कराने की मांग की। पूर्व सैनिक का आरोप, गाँव में नियुक्त सफाई कर्मी नहीं करता है काम, अपनी जगह ठेके पर रखे हैं सफाई कर्मी। ग्राम पंचायत में बनी नाली की सफाई के लिए एक पूर्व सैनिक को कितनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि खंड विकास अधिकारी रामनगर से लेकर जिलाधिकारी चित्रकूट एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पैच एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक को पत्र लिखकर सफाई कर्मी की करतूतों की शिकायत करनी पड़ी। इसके बावजूद भी पूर्व सैनिक को नाली सफाई की समस्या से अब तक कोई निजात नहीं मिल पा रही है। परेशान हो पूर्व सैनिक ने एक बार फिर खंड विकास अधिकारी रामनगर को पत्र लिखकर ठेके पर सफाई कर्मचारी रखे जाने की मांग की एवं नाली की सफाई करने की गुहार लगाई है। विकास खंड रामनगर के ग्राम पंचायत पिरिया माफी के एक्स सूबेदार संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि मई माह से गांव की नाली की सफाई के लिए पत्र लिखकर खंड विकास अधिकारी रामनगर से लेकर जनता दिवस पर जिलाधिकारी चित्रकूट समेत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में नियुक्त सफाई कर्मी रमेश कुमार कभी भी नहीं आता और उसने अपनी जगह पर 5,000 रुपये मासिक पर संत कुमार उर्फ संत राम निवासी गोबरौल को रखा हुआ है, जो गाँव के रसूखदारों के घर के पास ही सफाई करता है। उन्होंने रामजी मिश्रा खंड विकास अधिकारी रामनगर को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने एवं नाली की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है। संतोष कुमार, क्या समस्या? नाली सफाई कैसे, क्या हुआ, क्या सफाई हो ही नहीं रही? वो कह रहा है कि जाइए, आप एप्लीकेशन देते रहिए। अच्छा, गांव का मैटर है? गांव का मैटर है। कौन सा गांव का है? एरिया माफी का। अच्छा, कौन सफाई कर्मी है पता? रमेश है, रमेश तो कभी बहुत कम कभी कभार आता है। उस वो एक आदमी संत राम को रखे हुए है, जो कि निवासी है गुबराउल का, 5,000 रुपये में रखे हुए है। वही आता है सफाई करने के लिए, और वो जब कभी आता है तो प्रधान के दरवाजे सफाई करके चला जाता है बस, और कहीं उससे सफाई करने से मतलब नहीं है। अधिकारी को सबको किए, डीएम को किए, 1076 में दिए, वीडियो साहब को दिए, मैं मई से परेशान हूँ, पहले सचिव को दिए, उसके बाद प्रधान को दिए, सबको दिए, लेकिन कोई कार्य नहीं होता। मैं एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते ये सब कार्रवाई किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कार्य नहीं हो रहे हैं, मेरे कहने पर ये कार्य नहीं हो, तो आम जनता का क्या होता होगा? अच्छा, कौन से सेवा नियुक्त हैं? मैं आर्मी से सूबेदार नहीं थी रिटायर। अच्छा, कब से परेशान है सफाई को लेकर? मई के महीने से परेशान है। ये सफाई न होने से क्या क्या समस्या हो रही है गाँव में? अच्छा, मेरे घर में घुस जाएगा पानी। अच्छा, और समस्या क्या? प्रधान जी से हैं आप? अरे प्रधान जी, बीडीओ, सीडीओ, सब तो पे, मैं प्रार्थना पद में सब कुछ है, आप नोट करिए, इसको देख लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।